प्रश्न पहला, हमें जवान पुरुषों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए? ए भाइयों की तरह, बी बड़ों की तरह, सी पिता की तरह, डी सगे संबंधियों की तरह। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए भाइयों की तरह। प्रश्न दूसरा, हमें वृद्ध महिलाओं के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए? ए रिश्तेदार के रूप में, बी बड़ों के रूप में, सी बहनों के रूप में, डी माताओं के रूप में। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी माताओं के रूप में। प्रश्न तीसरा, हमें जवान महिलाओं के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए? ए माताओं के रूप में, बी बड़ों के रूप में, सी बहनों के रूप में, डी रिश्तेदारों के रूप में। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी बहनों के रूप में। प्रश्न चार, विधवाओं का भरण पोषण किसे करना चाहिए? ए बच्चे और नाती पोते, बी समाज, सी उनके माता पिता, डी उनके रिश्तेदार। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी उनके माता पिता। प्रश्न पाँच, कौन जीवित रहते हुए भी मरा हुआ है? ए विधवा जो मौज मस्ती के लिए जीती है, बी विधवा जो धन और भोजन के लिए जीती है, सी वह आदमी जो मौज मस्ती के लिए जीता है, डी वह आदमी जो धन और भोजन के लिए जीता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए विधवा जो मौज मस्ती के लिए जीती है। प्रश्न छः, परंतु जो विधवा भोग विलास में रहती है वह जीवित रहते हुए भी मरी हुई है, यह किसने कहा है? ए यूहन्ना, बी पौलुस, सी फिलिपुस, डी तिमुथियुस। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी पौलुस। प्रश्न सात, जब उनकी कामों की इच्छाएं मसीह के प्रति समर्पित को दूर करती है तो वे कौन शादी करना चाहते हैं? ए जवान भाई, बी जवान बहनें, सी विधवाएं, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी विधवाएं। प्रश्न आठ, किसने अपने ऊपर दोष लाया क्योंकि उन्होंने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया? ए जवान बहनें, बी जवान बच्चे, सी जवान भाई, डी जवान विधवाएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी जवान विधवाएं। प्रश्न नौ, कौन आलसी होने और घर घर घूमने की आदत डालते हैं? ए जवान भाई, बी जवान विधवाएं, सी जवान बहनें, डी छोटे बच्चे। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी जवान विधवाएं। प्रश्न दस, उन विधवाओं की मदद कौन कर सकता है जो वास्तव में जरूरतमंद है? ए कलीसिया, बी आम आदमी, सी समाज, डी राजा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए कलीसिया। प्रश्न 11, किसी बुजुर्ग के खिलाफ आरोप कैसे लगाए? ए तीन या चार गवाह, बी दो या तीन गवाह, सी चार या पांच गवाह, डी एक या दो गवाह। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी दो या तीन गवाह। प्रश्न 12, सम्मान और फटकार दोनों को किस तरह से दिया जाना चाहिए? ए पक्षपात के साथ, बी पक्षपात और पक्षपात के बिना, सी बिना किसी पक्षपात के, डी मानवता के बिना। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी पक्षपात और पक्षपात के बिना। प्रश्न 13, बार बार बीमार पड़ने से बचने के लिए पौलुस ने तिमुथियुस को क्या पीने को कहा? ए अंगूर का रस, दाखरस, बी शराब, सी पीने का पदार्थ, डी पानी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए अंगूर का रस, दाखरस। प्रश्न 14, कुछ लोगों में क्या स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकता है लेकिन दूसरों में छिपा हुआ है? ए प्रेम, बी वफादारी, सी पाप और अच्छे कर, डी लगाओ। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी पाप और अच्छे कर्म।